अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी। अहम खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। सबसे पहले हेडलाइंस। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। बोर्ड के सालाना इजलास में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के नामवर माहिरीन की शिरकत, तालीम और तरबियत, इंटर्नशिप्स और अमली मैदान के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। यूसीपी बिजनेस स्कूल के ज़ेरे एहतमाम छठी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 6 फरवरी से शुरू होगी। दो रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के लिए फुल पेपर्स 18 जनवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ और तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर के इश्तराक से मीडिया स्टडीज़ के तुलबा तालिबात के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। तुलबा तालिबात को मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस आइडियाज़ और टीम बिल्डिंग के हवाले से तफसीली रहनुमाई दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 के दाखिलों का आगाज हो गया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए प्रॉस्पेक्टस यूसीपी और पंजाब कॉलेजेस की ब्रांचेस से हासिल किए जा सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के फैकल्टी मेंबर और सीनियर कानूनदान वकास कदीर डार तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वकास कदीर 2011 से यूसीपी की फैकल्टी ऑफ लॉ से मुंसलिक थे। यूसीपी के असातिज़ा और तुलबा और तालिबात की जानिब से इजहार अफसोस और ताज़ियती पैगामात। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। यूसीपी के बोर्ड रूम में होने वाले सालाना इजलास में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर मोहम्मद अकरम ताहिर, शोबों के सरबराहों, फैकल्टी मेंबरान और इंडस्ट्री के नामवर माहिरीन ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद एकेडीमिया और इंडस्ट्री के दरमियान मौसर रवाबित और दौरे जदीद की इंडस्ट्री ज़रूरियात के मुताबिक तालीम और तरबियत और अमली इकदाम को फ़रोग देना था। इजलास में शरीक माहिरीन ने करिकुलम, इंटर्नशिप्स, जॉब प्लेसमेंट और अमली मैदान के चैलेंजेस समेत दीगर पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। माहिरीन ने ह्यूमन रिसोर्स, स्किल मैनेजमेंट और इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम समेत अहम अमूर पर रोशनी डाली और अपनी सिफारिशात भी पेश की। इजलास के अहतमाम पर डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर मोहम्मद अकरम ताहिर, प्रोफेसर डॉक्टर फैजुल हसन और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद रिजवान शाह ने इजलास के शुरका को यूसीपी के सुवीनियर्स भी पेश किए। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अरकान और इंडस्ट्री माहिरीन ने मीटिंग को अहम करार दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। ये हमारा एक एनुअल इवेंट है, इंडस्ट्रियल लिंकेज का, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें जो मुल्क भर से इंडस्ट्री है उसके चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे बोर्ड पे हैं उनको हम इन्वाइट करते हैं, अपना करिकुलम और बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं एकेडमिक्स से और प्रोजेक्ट्स के मतलब, रिसर्च के मतलब, वो सारी उनके सामने रखते हैं और उनकी तजावीज़ लेके फिर अगले साल के लिए जो प्लान मरतब करना होता है। इसका बेसिक पर्पस तो यही है कि जो कोर्सेज हमारी जो चीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं उनकी इंडस्ट्री में जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है, और इंडस्ट्री के लोग आके हमें ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो शॉर्टफॉल है, कि हमें फलां फलां एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और स्टूडेंट्स उसमें थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो आप उन एरियाज़ को ज़्यादा कवर करें। ये इस मीटिंग का जो पर्पस था वो गैप ब्रिज करना था जो कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में होता है। स्टूडेंट्स को क्या क्या स्किल्स और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए बिफोर एंट्रिंग द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लोग क्या डिमांड करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स उसको इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले उनको पता हो, ताकि वो ज़्यादा कवर अप कर सके, जो भी गैप है वो कवर अप हो सके। बेसिकली जब स्टूडेंट्स निकलता है यूनिवर्सिटी से और इंडस्ट्री में जाता है, इज़ वेरी काफ़ी चीज़ें लैक कर रहा होता है इन सेंस ऑफ एप्लीकेशन जो उसने पढ़ी होती हैं एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस पे, तो ये अच्छा मोटिव है ये यूनिवर्सिटीज़ का कि इंडस्ट्रियल और एकेडेमिया का जो रिलेशंस है वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन से जो स्टार्ट करता है ग्रेजुएशन स्टूडेंट उससे वो उसके साथ लिंक रखे। दिस इज़ आवर पीरियोडिक मीटिंग दैट वी होल्ड एनुअली in order to take feedback of the industry for our curriculum and the graduates of faculty of engineering that are now serving in the industry. So we take the feedback of the industry
regarding to what extent our graduates are helpful for achieving the goals when they are working in the industry. UCB Business School के जरिए तमाम छठी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 6 फरवरी से शुरू होगी। दो रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता स्पीकर्स शिरकत करेंगे। 2020 की आलमी कॉन्फ्रेंस की थीम डूइंग रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस है। कॉन्फ्रेंस के कीनोट स्पीकर्स में प्रोफेसर डॉक्टर वफा खलीफ, डॉक्टर अहमद रजा बिलाल, डॉक्टर जेरेमी फ्लिप ब्राउन और डॉक्टर मोहम्मद इशफाक समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। डीन यूसीबी बिजनेस स्कूल डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। डॉक्टर अतर अजीम खान कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जबकि डॉक्टर इरफान सलीम सेक्रेटरी होंगे। कॉन्फ्रेंस के पेपर अब्स्ट्रैक्ट्स 10 जनवरी जबकि फुल पेपर्स 18 जनवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट www.icibm.ucp.edu.pk पर विज़िट किया जा सकता है। फैकल्टी ऑफ मीडिया और तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर के इश्तराक से मीडिया के तुलबा तालबात के लिए वर्कशॉप मुनक्किद हुई। तफसीलात जानते हैं इल्मा शाकिर की इस रिपोर्ट में। फैकल्टी ऑफ मीडिया और तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर के इश्तराक से मीडिया स्टडीज़ के तुलबा तालबात के लिए खसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। UCP के तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर में होने वाली वर्कशॉप में BS ऑनर्स मीडिया मैनेजमेंट कोर्स के तलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वर्कशॉप के शुरका को मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस आइडियाज़ और टीम बिल्डिंग के हवाले से तफसीली रहनुमाई दी गई। डीन फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर हसन और सीनियर मैनेजर तख्लीक इंक्यूबेशन उज़ैर शाहिद ने खसूसी तौर पर वर्कशॉप में शिरकत की और सेशन में शरीक तुलबा और तालिबात को अहम अमूर पर तफसीली रहनुमाई फराहम की। डॉक्टर तैमूर हसन ने मीडिया इंडस्ट्री के बदलते तकाजों के मुताबिक मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत पर रोशनी डाली और तुलबा तालिबात को जदीद तकाजों से हम आहंग बिजनेस मॉडल्स अपनाने की तरगीब दी। वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन और तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर के सीनियर मैनेजर उज़ैर शाहिद का कहना था कि तख्लीक इंक्यूबेटर नौजवानों को जॉब के हसूल के साथ साथ अपने बिजनेस की जानिब माइल करने के लिए अहम तरबियत और रहनुमाई फराहम करता है। तख्लीक इंक्यूबेटर मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप्स को रहनुमाई और मतलूबा महारत के साथ साथ बिजनेस और टीम बिल्डिंग की तरबियत फराहम करेगा। आइडिया यही था यूनिवर्सिटी के अंदर के जिस तरह से हम बच्चों को जॉब करना सिखाते हैं, जॉब लेना सिखाते हैं, उसी तरह से हम बच्चों को जॉब क्रिएट करना भी सिखाएं, बिज़नेस अपना करना सिखाएं और वो दे कुड आल्सो बी जॉब क्रिएटर्स। इसी आइडिया को आगे लेके चलते हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड एवरीथिंग उन सब के अंदर बिजनेस इंक्यूबेटर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया भाई, जहाँ पे बच्चों को बिज़नेस करना किस तरह से स्टार्ट करना है इस एज में सिखाया जाता है कि ताकि वो हमारी जो जितनी भी बल्जिंग यूथ इकॉनमी है, यूथ पॉपुलेशन है, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना, उसमें बिज़नेस क्रिएट करना, ये काम है हमारा जो कि हम इंक्यूबेटर में करते हैं। स्टूडेंट्स नॉर्मली जो ग्रेजुएट होने के करीब होते हैं वो सबसे ज़्यादा वरीड होते हैं अपने फ्यूचर के हवाले से कि वो ग्रेजुएट होने के बाद जॉब कहाँ पे सर्च करेंगे, तो तख्लीक उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके पास एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है, बिज़नेस मॉडल है, तो आप यहाँ लेके आएँ और आपको किसी के पास जॉब करने के लिए या ढूंढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ को खुद यूज़ करते हुए अपना एक अच्छा बिज़नेस जो है वो प्लान कर सकते हैं। तलबा तालिबात ने वर्कशॉप के कामयाब इनेकाद पर फैकल्टी ऑफ मीडिया के लेक्चरर सलीम अख्तर की काविशों को सराहा और अपने ख्यालात का इजहार किया। जो बिज़नेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आइडिया शेयर करते हैं एंड दिस इज़ अ प्लेस वे वी कैन डिस्कस एंड वेयर वी कैन शेयर अवर आइडियाज़। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का या एट्थ सेमेस्टर का, अगर उसके पास कोई आइडिया है तो वो डिस्कस कर सकता है, इधर हेल्प ले सकता है तख्लीक से, इधर से लोगों से, और दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मीडिया का प्रोफेशन जिस तरह मीडिया इंडस्ट्री देख रहे हैं वो नीचे जा रही है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल के लिए वो अपना बिज़नेस खुद से स्टार्ट कर सके, और इसके लिए तख्लीक मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो उनके आइडियाज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने में मदद देता है और उन्हें बताता है कि वो बिज़नेस किस तरह करना है। मुझे लगता है अच्छी बात है क्योंकि आज से पहले तो बहुत सारे बच्चों को तख्लीक का पता ही नहीं था कि तख्लीक क्या है, हालांकि यहाँ पर मौजूद है बहुत अरसे से। तो जब पूछा गया कि कितने लोग यहाँ पर पहली दफ़ा आए हैं तो मैक्सिमम हाथ आज खड़े हुए थे। तो आई गेस फॉर द स्टार्ट इट्स अ गुड थिंग कि बच्चों को पता चल गया कि उनके लिए कोई जगह मौजूद है। डिजिटल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मॉडल्स की ये ट्रेनिंग मीडिया स्टडीज़ के तलबा तालिबात को अमली मैदान में आगे बढ़ने में भरपूर मावन साबित होगी।
कैमरामैन तकदीस अहमद और साथी रिपोर्टर इल्मा शाकिर के साथ वजीहा लियाकत, यूसीपी टीवी लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 के लिए दाखिलों का आगाज हो गया। फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्टडीज, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में दाखिलों के लिए प्रॉस्पेक्टस और मालूमात यूसीपी के एडमिशन ऑफिस या फ़ोन नंबर 08000827 से हासिल की जा सकती हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के उस्ताद और सीनियर कानूनदार वकास कदीर डार तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वकास कदीर डार 2011 से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की फैकल्टी ऑफ लॉ से मुंसलिक थे। सीनियर वकील वकास कदीर ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल खिदमात सर अंजाम दी। मरहूम की नमाज जनाजा खालिद मस्जिद कैवलरी ग्राउंड में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। वकास कदीर के इंतकाल पर यूसीपी के असातिज़ा और तलबा तालिबात ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और मरहूम की शानदार खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए यूसीपी टीवी।